तो हमारे जो सुबह की शुरुआत होती है वो होती है गणपति बब्बा के आशीर्वाद के साथ। तो हम आ चुके हैं गणपति बब्बा के पंडाल में आशीर्वाद लेने के लिए, और सामने हो रहा था भंडारा, क्योंकि भंडारा गणपति विसर्जन के टाइम पे ही होता है इसलिए हो रहा था। और चलते हैं हम भंडारा खाने के लिए, भंडारा नहीं आशीर्वाद है भगवान का। और जो है फाइनली जो टाइम आ चुका है गणपति बब्बा को विसर्जित करने का, मतलब यहाँ से ले जाने का। और इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था यार, इतने टाइम तक गणपति बब्बा को रखा, वापस ले जाना पड़ेगा उसी जगह पर। और बिठाते हैं गणपति बब्बा को रिक्शे में और लेके चलते हैं आगे की ओर। और फाइनली जो है हमारे पप्पा जो है रिक्शे में बैठ चुके हैं और लेके चलते हैं इनको विसर्जित करने के लिए। और सामने जो है भाई साहब, वो हमारा मोहल्ला भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करी, वो इस टाइम पे इनको लेके जा रहे हैं। अब तो सामने जो है बच्चे और नाचने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, इनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें बहुत, हमने सेवा करी है गणपति बब्बा की, इसलिए हमें समझ में आ रहा है। और हमने डीजे भी लगवा रखा था, और सामने देखिए भाई साहब पूरा मोहल्ला नाच रहा है जीवर के, क्योंकि ये तो खुशी अलग ही होती है यार, है ना, समझते हो तुम। तो हम आ चुके हैं फाइनली जहाँ पर विसर्जित करते हैं गणपति बब्बा को। तो देख सकते हैं आप इस जगह को, कैसे बहुत सारी मूर्ति पड़ी हुई हैं, और ये छोटे से गणपति जी मुझे मिले महाराज जी। और हमारा भी गणपति विसर्जन का टाइम आ चुका है, ये हमारे लोगों ने गणपति जी की मूर्ति उठा ली है और लेके चल रहे हैं इनको पानी के अंदर, नदी में बहाने के लिए। और हम भी इनको हाथ लगवाते हैं, थोड़ा लेते हैं आशीर्वाद और चलते हैं हम। इनको एक डुबकी हम भी मान लेते हैं, क्योंकि भाई आज मैंने नहाया नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे विसर्जित करने जानी थी, मैं सोच रहा था बाद में ही नहाऊंगा।